तो आप लोगों को याद ही होगा कि रिसेंटली मैंने दो वीडियोस बनाए थे। तो जो सबसे पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था वो था कि टॉम क्रूज होके टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में, और जो सेकंड वीडियो मैंने डाला था वो था वांडा विजन सीरीज़ की रिलीज डेट और वांडा विजन की सीरीज़ हिंदी में हमें देखने मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ आयरन मैन वाला टॉपिक, यानी कि उस वीडियो में मैंने कहा था कि टॉम क्रूज हमें आयरन मैन के रोल में दिखाई देगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में, यानी कि कैमियो दिखाई देगा। तो आप लोगों को पता है कि कैमियो कितने देर का होता है। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि टॉम क्रूज आयरन मैन का रोल 10 साल के लिए प्ले करेगी। बात को आप लोग समझो, जो मतलब रूमर था मैंने आप लोगों को वही बताया, अपनी तरफ से मतलब ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है मैंने, जो था वही बताया और मैं मेरा ओपिनियन दे तो आप लोगों को पता है। तो बहुत जन मतलब कमेंट करके कह रहे थे कि आर डी जे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। हाँ, तो वो बात मैं मानता हूँ कि कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब अचानक से वही रोल में कोई और आ जाए, लेकिन आप लोग समझे नहीं मेरा टॉपिक क्या था। टॉपिक वही था कि मार्वल स्टूडियोज चाहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक अल्टरनेट अर्थ का हमें टोनी स्टार्क दिखे, तो एक फन टाइप में वो लोग दिखाना चाहते हैं। और मैंने कहा भी था आप लोगों को कि अभी के लिए रूमर है, यानी कि कन्फर्म नहीं हुआ है, जो मतलब सब लोग मेरे पैसे चढ़ रहे थे और जो था मैंने वही बोला, मतलब मेरे ऊपर से मैंने कुछ बनाया नहीं, कहानी वही नहीं कि मेरे को ऐसा चाहिए, मार्वल स्टूडियोस ऐसा कर दो, जो था मैंने वही बताया है, मेरे कहने से बदल नहीं जाएगा वो। तो ये तो बात होगी आयरन मैन के बारे में। तो उम्मीद है अभी आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझे हो कि मेरा कहने का क्या मतलब था, कैमियो होगा मैंने कहा था 10 साल तक प्ले नहीं करेगी टॉम क्रूज सर, तो उम्मीद है अभी आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों को लगता है मेरी गलती है तो सॉरी। अब मैं बात करता हूँ वांडा विजन सीरीज़ के बारे में, जहाँ पर मैंने रिलीज डेट बताया था, जो मतलब मुझे मिला था रूमर उस हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया। और सेकंड मैंने बताया था कि वांडा विजन की सीरीज़ हिंदी में क्यों नहीं आ सकती है, वो जो ट्वीट था मैंने आप लोगों को वो बताया था, और मैंने ओपिनियन दिया था, मैंने मेरा ओपिनियन दिया था। तो देखो, मैंने मेरा ओपिनियन इसलिए दिया था क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि हिंदी में रिलीज़ नहीं करेगी, तो अब जब हिंदी में रिलीज़ कर ही नहीं रहे तो इंग्लिश में तो देखना ही पड़ेगा। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, मतलब आती है सब लोग को और बहुत लोगों को नहीं आती है। तो बहुत लोग मतलब कह रहे थे कि मैं खुद का सोचता हूँ, मैं खुद का सोचता हूँ तो पहली बात तो वीडियो नहीं बना था, मुझे क्या मतलब ज़रूरत है बार बार वीडियोज़ डालने की। मैं बड़ा वीडियो का एक डाल सकता हूँ महीने में या फिर ऐसा कुछ भी करके, मुझे क्यों ज़रूरत है। और मैं रिप्लाई भी नहीं करना चाहता था, मतलब अभी मैं कहूँगा तो फिर 10 बात उठेगी, तो मैं बस सीधा साधा सॉरी कहना चाहता हूँ। मैंने मतलब न्यूज़ मतलब बता के गलती कर दिया, वो वाली नहीं बताना चाहिए था, मैंने सोचा बहुत लोग पूछ रहे हैं तो बता दूँ, क्योंकि बाकी सब तो इतना बिजी है, पता नहीं मुझे इतने बिजी हो गए सब लोग, तो मैंने सोचा कि बहुत जन पूछ रहे तो बता देता हूँ, ट्वीट था तो उस हिसाब से मैंने बताया। उस वीडियो में मैंने कहा भी था कि अगर डब होता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो शायद वो शायद किसने सुना नहीं, तो उसके लिए सॉरी। मतलब जिन लोगों को बुरा लगा है कि मैं अपना ही सोचता हूँ, फिर बहुत सारे फैंस हिंदी, मैं भी हिंदी में देखता हूँ यार, इंग्लिश में नहीं देखता हूँ, मतलब हिंदी के बाद इंग्लिश में देखता हूँ, हिंदी मुझे ज़्यादा अच्छी समझती है, और इंग्लिश में देखूँगा तो सबटाइटल मुझे लगती ही है, क्योंकि इतना अच्छा मैं हूँ नहीं इंग्लिश में, मैं मतलब जो था वही मैं अभी भी हूँ। बहुत लोग कहते चेंज हो गया ऐसा वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो वही मैं कहना चाहता हूँ सॉरी, बस बात को ख़त्म करना है मुझे, मैं आगे नहीं बढ़ाना है, बस सॉरी।